नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत आज हम सब 19 जून 2018 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम सब डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बता दें, जो भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी होगी। दोस्तों आपको बता दें, इस तरह का वीडियो अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो आप हमें मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच पाए और आप देख पाओ। और उसके बाद जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वहीं जब आपको कोई सुझाव देना हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और मैं बता दूँ, इस सेशन का PDF भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की प्रथम लिमिटेड कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है वह कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। आपको बता दें, इसके पहले ऐसा कारनामा जो है रिलायंस के द्वारा 2017 में किया गया था, लेकिन उसका जो एमकैप था वो था 5 लाख रुपये, 5 लाख करोड़ रुपये, लेकिन TCS ने ये कारनामा 7 लाख रुपये कर लिया है, 7 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं हम। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बाजार पूंजीकरण जिसे एमकैप बोलते हैं, इसकी श्रेणी में 7 लाख करोड़ रुपये, 103 अरब डॉलर से भी अधिक कर प्रथम भारतीय कंपनी बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो यहाँ पे जो बात निकल कर आती है एम कैप होता क्या है, तो आपको मैं बता दूँ, एम कैप एक ऐसी कंपनी का मूल्य है जो स्टॉक मार्केट पर कारोबार करती है और वर्तमान शेयर मूल्य द्वारा कुल शहरों की गुणा करके गणना की जाती है। क्लियर। और आपको बता दें कि जुलाई 2017 में मुकेश अंबानी की जो अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी, वह अपने कारोबारी इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण यानी एम कैप जो है 5 लाख करोड़ रुपए पार किया था। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं TCS के बारे में। तो आपको बता दें, TCS का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1968 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरमैन है साइरस मिस्त्री और वाइस चेयरमैन जो है वह है एस रामादुरई। और वहीं बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक की तो है नटराजन चंद्रशेखरन। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले पेपर्स में एक से ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाने पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पूर्ण व्यापार युद्ध के अंतर्गत तुल्य अमेरिका द्वारा चीन पर कितने प्रतिशत टैरिफ कर लगाया गया है? 25%, 15%, 35% या फिर 50%? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा 25%। आपको बता दें, 25% कर लगाने के साथ ही एक तरह का व्यापार युद्ध छिड़ सकता है, और इसमें जो है एक देश दूसरे से भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे कारोबार जो होता है वह कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता के साथ फिर एक दूसरे पे टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, जिससे है कि यह युद्ध का परिणाम ले सकता है, और इसे हम कह सकते हैं व्यापार युद्ध। तो चलिए कुछ हम इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा चोरी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के तहत चीन के $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर सामान पर कड़े 25% टैरिफ लगाए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा टैक्स है। तो वहीं बात आती है यूनाइटेड स्टेट की यानी अमेरिका की, तो बता दें इसका कैपिटल जो है वाशिंगटन DC है, लार्जेस्ट सिटी जो है यानी कि सबसे बड़ा शहर जो वहाँ का है वो है न्यूयॉर्क सिटी, प्रेसिडेंट जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो माइक पेंस है, और करेंसी जो है वो है USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो इतना कुछ आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अब देख लेते हैं चीन के बारे में, जहाँ पे इस टैक्स लगाया गया है, जिस पे लगाया गया है, तो चीन का जो कैपिटल है दोस्तों वो है बीजिंग, लार्जेस्ट सिटी है शंघाई, और प्रेसिडेंट की बात करें तो है सी जिनपिंग, और करेंसी जो है रेनबेबी और युआन है। तो इतना कुछ अपने नोटबुक में आप सब मेंशन करते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित स्वजल योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, कृषि उपयोग पेयजल, स्वच्छ पेयजल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित स्वजल योजना है, इसका संबंध आपको स्वच्छ पेयजल से है।
और इसके अंतर्गत जो भी स्कीम लॉन्च की गई है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने में आसानी हो। 17 जून 2018 को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के 115 जिलों में स्वजल स्कीम जो है इसके तहत शामिल किया है। और इस योजना के लिए वित्त विभाग द्वारा फ्लैक्स फंड के माध्यम से 700 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। आप याद रखिएगा, जो इस योजना के तहत 700 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे वह किया जाएगा फ्लैक्स फंड के माध्यम से। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 90% परियोजना लागत का वहन करेगी, साथ ही साथ सौर ऊर्जा का उपयोग कर पाइपलाइन में गांवों की जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। जो गांव में जल आपूर्ति की जाएगी वह पाइप के माध्यम से और सौर ऊर्जा का उपयोग करके किया जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो पोखरण राजस्थान, आगरा उत्तर प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड, या फिर हैदराबाद तेलंगाना? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि DRDL जो है इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है, और साथ ही साथ अभी आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है हैदराबाद। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता दूं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद जो है तेलंगाना में है और यह एक मिसाइल सिस्टम प्रयोगशाला है। ठीक है, आप मेंशन कीजिएगा यह एक मिसाइल सिस्टम प्रयोगशाला है, और DRDO के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने के लिए यह उत्तरदायी है। 17 जून 2018 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL द्वारा विकसित स्वदेशी पिनाका, जो कि भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है, रॉकेट प्रणाली को सफलतापूर्वक एक स्वदेशी निर्देशित मिसाइल सिस्टम में परिवर्तित किया गया है। अब याद रखिएगा, DRDL ने एक नया स्वदेशी पिनाका रॉकेट प्रणाली डेवलप किया है, जो कि भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। और यह परिवर्तित मिसाइल जो है वह अपने प्रारंभिक परीक्षणों में सफल होने के उपरांत 2 साल बाद भारतीय सेना को सौंपे जाने का प्रस्तावित है। यानी जो इस सफल परीक्षण हो जाएगा उसके 2 साल बाद भारतीय सेना को यह सौंप दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है गाजीपुर, हल्दिया, वाराणसी, साहिबगंज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों होगा गाजीपुर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम सब। केंद्रीय सड़क परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। आप याद रखिएगा, ये जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दोनों के संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय जलमार्ग जो है प्रथम जलमार्ग विकास परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा। और ये जो इंटर मॉडल टर्मिनल होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 31 को संयुक्त रूप से संचालित करेगी। और इस परियोजना के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। आप याद रखिएगा कि जो मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किए जाने हैं वो किया जाना है वाराणसी में, साहिबगंज, हल्दिया, इन जगह पे किए जाने हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने के लिए किसने चुनाव जीता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन आपको मिला है, इवान ड्यूक, पाओलो, इवान फीच, या फिर जुआन मैनुअल सेंटोस। तो आपको बता दे, जो जुआन मैनुअल सेंटोस हैं इन्हें हराकर इवान ड्यूक ने यह चुनाव जीता है और ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन गए हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। कोलंबिया के इवान ड्यूक को लंबे समय और विभाजित अभियान के बाद अपने अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और वह जुआन मैनुअल सेंटोस का स्थान लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ बात निकल कर आती है कोलंबिया। तो कोलंबिया का जो राजधानी है, जो कैपिटल है, बोगाटा है, और मुद्रा जो है, करेंसी जो है, वह है कोलंबियाई पेसो। तो इन सब चीज़ों को तो जरूर आप मेंशन कीजिएगा, इसे कभी भी भूलिएगा मत। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बांग्लादेश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं? 500, 700, 650 या फिर 750? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 700 मिलियन डॉलर। आपको बता दें, इसके बारे में कुछ तथ्य जो हैं जो कि आपको जानना चाहिए, कि बांग्लादेश को सभी दृष्टिकोण में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए 700 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी गई है।
और इसके अंतर्गत क्या होगा, क्वालिटी लर्निंग फॉर ऑल प्रोग्राम यानी QLEAP में प्री प्राइमरी लेवल से ग्रेड 5 तक पढ़ रहे 18 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल होंगे। आप याद रखिएगा जो ये सहायता दी जा रही है उसके अंतर्गत QLEP एक प्रोग्राम चलेगा, क्वालिटी लर्निंग फॉर ऑल प्रोग्राम। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 5 तक पढ़ रहे बच्चे जिनकी संख्या 18 मिलियन है वह शामिल होंगे। और यह सरकार के चौथे प्राथमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम PED4 के कार्यान्वयन को भी वित्त पोषित करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आती हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो जिम योंग किम है, इसे आप मेंशन कीजिएगा अपने नोटबुक में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो Washington DC में है। तो इतना कुछ फैक्ट्स आपने देखा, अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश का जो कैपिटल है और सबसे बड़ा जो नगर है वो है ढाका। राजभाषा जो वहाँ का है वो बांग्ला है। सरकार की बात करें तो वहाँ संसदीय गणतंत्र सरकार है और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति जो हैं वो है अब्दुल हामिद। और मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें तो है टाका। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर लें और अपने नोटबुक में मेंशन कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 98वां ATP खिताब किसने जीता है, मिलोस राउनिक, टीम पुट्ज, आर लिंड स्टेड या फिर रोजर फेडरर। तो दोस्तों नो डाउट आप सभी ने इसे टिक आउट कर लिया होगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए रोजर फेडरर ने अपने 98 ATP खिताब जीता है और मिलोस राउनिक को हराकर मर्सिडीज कप जिसे स्टटगार्ट ओपन कहा जाता है अपने नाम किया है। आप याद रखिएगा मिलोस राउनिक को इन्होंने हराया है और 14वें मैच में 11वीं बार अपने कनाडाई प्रतिद्वंदी जो थे उन्हें हराया है और ये इनका पहला स्टटगार्ट खिताब है। फेडरर ने 6वीं बार शीर्ष ATP रैंक हासिल की है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो आपको बता दें टीम पुट्ज, फिलिप पिट स्कैनर जो कि जर्मनी के हैं, एम मत कासवी जो कि पोलैंड के हैं और आर लिंड स्टैड जो कि स्वीडन के हैं, इन्हें हराकर मेंस डबल खिताब जीता। तो आपको बता दें कि स्टटगार्ट ओपन है क्या, इसे मर्सिडीज कप भी कहा जाता है जो कि टेनिस के लिए कप है। और स्टटगार्ट ओपन जो खेल हो रहा है अभी, जो कप हो रहा है वह जर्मनी में हो रहा है और जर्मनी के जो कैपिटल है बर्लिन है। ठीक है दोस्तों, तो इतना कुछ आप जरूर मेंशन करते चलिएगा अपने नोटबुक में। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया और आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। अब बारी आती है आज का क्विज का, जो कि आपको आपके आने वाले पेपर्स के लिए तैयार करेगा। तो आपको सारे प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं और कल के सेशन में हम सारे प्रश्नों का आंसर जो है अनाउंस करेंगे और जो सबसे तेज जवाब देंगे 5 प्रश्नों का उनका हम जवाब कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है आपका क्विज टाइम और इसके अंतर्गत आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आज हमने ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, इनमें से कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ध्रुव रेखा या फिर भूमध्य रेखा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका, इनमें से किस राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इनमें से किस स्थान पर धारवार का पठार है, ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। और ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस सागर में लक्षद्वीप है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं। और देख लेते हैं आज का 5वां प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न होगा, अनाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, 2095 मीटर, 4000 मीटर या फिर 3509 मीटर। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन था, क्विज टाइम था, वो यहाँ पे ओवर होता है। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उससे प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिए और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।